हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजाइनर मास्टर में। आज हम आपको होल्टर नेट ब्लाउज की कटिंग करके दिखाएंगे। और हमने आपको पिछले वाले वीडियो में कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग सिखाई थी, और इस वीडियो में हम आपको होल्टर नेट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हमारा साइज वही 36 का ही है, हम 34 का भी लेंगे। तो हमारा साइज सेम है जो हमने पिछले वीडियो में भी काटा है, 36 और चेस्ट 36 है यानी 36 है, और कमर 30 है, और कॉलर हमारा 14 है, और ब्लाउज का लेंथ हमारा 14 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इसी तरह का पेपर लेना है, और वैसा ही जैसा निशान हमने लगाया था सेम निशान लगेगा, खाली इसमें हम आपको बताएंगे कहाँ से क्या करना है। तो सेम आपको सेम कटिंग कर लेना है, 7 इंची पे हमारा वही आला गिरेगा, और 9.5 इंची पे हमारा कफ लगेगा, 14 इंच हमारा लेंथ है। एक निशान यहाँ भी सीधा करने के लिए लगा लें, 7, 9.5 और 14। और हम इसमें 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो 14 लगाएं, क्योंकि हमारा मार्क लगाना है पूरा, तो पूरा ही लगाएं, क्योंकि इसमें हमको पूरा निकालने के बाद आपको समझ में आएगा। और ये 3.5 इंच पर हम लोग डार्ट का निशान लगाते हैं, तो लगा लीजिए। इस ब्लाउज में आपको यहाँ से 2 इंची नहीं बल्कि 2.5 इंची निकालना है। तो यहाँ से इधर की तरफ 1 इंची लगा लें, और इधर की तरफ 1.5 इंची, इधर की तरफ 1.5, और इधर से 1। ये हमारी फिटिंग के लिए रहता है इस ब्लाउज में। उसके बाद सेम हमको आपको यहाँ से निकालना है वही सेम डार्ट, यहाँ से आप रख लें ऐसा स्केल पट्टी, और ऐसा कर लें। और इस ब्लाउज में आपको ये वाला स्केल पट्टी से यहाँ से शेप देना है, यहाँ से शेप दे दीजिए, ये शेप हमारा हो गया। और यहाँ से भी आप वो जैसे निकालते हैं ब्लाउज का, यहाँ से 1.5 इंची, तो आप यहाँ से भी 1.5 इंची निकाल लें, इनमें पूरा 1.5 इंची निकलना चाहिए। ये हो गया, यहाँ से भी निकालना है आपको। पहले हम चेस्ट मैपिंग हमारा 36, तो ये 5 है, और 36 हमारा चेस्ट, 1/2 इंच लूज, तो 9.5। और कमर हमारा 30 है, यहाँ से 2.5, और यहाँ से 2.5 निकाल लें, तो 30 यहाँ पे लगा लीजिए, ये कर ले। यहाँ से 1/2 इंची कंपलसरी है निकलना, आप निकाल ही दीजिए कोई भी ब्लाउज में, क्योंकि यहाँ का राउंड बाद में आपको टेढ़ा ना हो। यहाँ से आप 1 इंच निकाल लें, आप इनको नाप लें जैसा हमारा गुलाई लगता है आर्मोल का। तो ये हमारा 7.5 है, और 7.5 में लगाएं, और इनको हल्का शेप दे दें ऐसा, फिर आप इनको मिला लें। ये हमारा हो गया, इनको भी आप सही कर लें। इनको यहीं ख़त्म करना है। तो यहाँ से आप इनको सीधा कर लें। अब हम नेक का निशान लगाए, तो हमें कॉलर रहेगा तो बहुत हाई रहेगा ये, तो आपको यहाँ से कॉलर के लिए 2.25 इंची निकालना है,
और यहाँ से 2.5 इंच निकालना है। और अब यह 2.5 है और जिसके सीधे से आप 1.5 इंची के निकालिए, वो उसके हिसाब से आप कॉलर का गोलाई दे दीजिए। ये हमारा गोलाई रहेगा, ये हमारा कॉलर लगेगा। और क्योंकि ये हमारा यहाँ से अल्टरनेट रहेगा तो यहीं से डायरेक्ट कट रहेगा ये हमारा अमोल, तो आप यहाँ से एक निशान लगाएं ये अमोल तक। ऐसा कर लें और यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे एक निशान लगा लें, ये हमारा हो गया। लेकिन हमारा ये डीप रहेगा, यहाँ से हमारा शेप लगेगा। तो यहाँ से आपको ये 1.5 इंची आपको डीप करना है, क्योंकि ये यहाँ से डीप, अगर आप किसी ने कहा कि मुझे डीप चाहिए तो आप डीप रख सकते हैं, अगर नहीं तो 1 इंच, इनको डीप चाहिए थोड़ा, तो यहाँ से मुझे 1.25 इंची नीचे रखना है। और हमको यहाँ से ये ले लेना है सेट, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे इसको हल्का सा राउंड देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ निकले नहीं, तो आप ये स्केल पट्टी रखे राउंड वाला हल्का, ऐसा ज़्यादा नहीं देना है आपको, हल्का देना है। और ये राउंड वाला रख के ये राउंड दे देना आपको, ये राउंड हो गया आपको। और ये वाला पोर्शन से आपको नापना है ये हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा ये 13 है, तो 13 हमारा ऊपर चले जाएगा, तो हमको ये रखना है 12 इंची आपको यहाँ रखना है। तो ये हमारा और हल्का शेप आएगा, तो यहाँ पे आप अपने हाथ से हल्का शेप दे दें ऐसा। ये आपको शेप दे देना है, यह हमारा एकदम बिल्कुल कट रहेगा। तो ये हमारा हो गया, अब हम इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आपको गोलाई हल्का ले लेना है, काट दें। ये कभी भी आपको नहीं काटना रहता है, तो ये आप काटिए नहीं, ये डॉट आपको काटना नहीं। ये फूटता है तो यहाँ पे आप हल्का चिपका मार के तो आप बैठा लें। ये हमारा फ्रंट कट गया, इसमें हमने काफ़ी डार्ट निकाला है, क्योंकि ये फिटिंग बहुत बेहतरीन आती है, इसमें आर्मोल नहीं है, तो हमने इतना डार्ट निकाला है इसमें। अब हम बैक काटेंगे, इसमें भी आपको 2 इंची ऊपर की तरफ से इतना पैटर्न में जल दबाव छोड़ देना है,
और हम लेंथ लगाएंगे, तो हमारा लेंथ था सामने का 14, तो इसमें रहेगा 12.5 डेढ़ इंच हमारा छोटा, 12.5 और 7 इंच हमारा जो होता वो 7 इंच पे लगाएं, इसको सीधा कर लें। और शोल्डर हमारा था 14, तो निशान पहले लगा लें उसमें, ये निशान लगा लिया, तो ये हमारा रहेगा 9, ये हमारा रहेगा 7.5। अब ये वाला पोर्शन आप बैठा लें, क्योंकि आपका जॉइंट इसी में होना चाहिए, तो हमारा जितना निकलेगा उतना आप निकाल सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ से निकल गया। और हमारा गला कटा था 2.5 इंची 2.25 सॉरी, ये तो 2.25 एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से 1 इंच और निशान लगाएंगे। और ये हमारा शोल्डर में गिरता है 1 इंची, तो यहाँ से आप 1 इंची यहाँ निशान लगा दें, इनको सीधा कर लें आप। और ये वाला निशान से आपको जो हमारा बैक है ये आपको इतना है, और इसी पे शेप दे देना, ये इतना ही हमारा बैक ओपन रहता है, जिप लगता है बैक में। फिर ये वाला स्केल लीजिए और यहाँ बैठाना है, डायरेक्ट यहाँ बैठाना है आपको, थोड़ा सा आप शेप वाला ले लीजिए आगे ऐसा, ये गौर से देखना है आपको, और यहाँ से डायरेक्ट ये कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट है बस, ये हो गया और इसको काट दीजिए। ये हमारा बैक कट गया, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा ऐसा रहेगा, यहाँ पे हमको थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, हल्का गैप रहेगा इसमें, हमारा कॉलर जब जॉइंट होगा तो उसी में ये लगते हुए का हमारा शोल्डर इसमें रहेगा नहीं, सिर्फ कॉलर में ही जॉइंट होगा ये, ये हमारा बैक है, बैक में जिप लग जाएगा, ये पूरा कॉलर बैक में खुलता है हमारा, तो ये हमारा कट गया। कॉलर भी काटना है, हमारा कॉलर 14 इंच है, तो आप इनको ऐसा रखें, इसमें आपको कॉलर में ज़्यादा गुलाई नहीं देना है, थोड़ा हल्का स्ट्रेट ही रखना है, आप एक ऐसा ट्विस्ट स्केल पट्टी रखें इधर से सटा के, और इतना ही सिर्फ उठाना है आपको, तो हमको चाहिए 14 इंची, तो 14 इंच पे आप निशान ऐसा लगा लीजिए, और यहाँ से आपको हल्का शेप देना है, बस इतना सीधा देना है। और ये आप राउंड को नाप लीजिए, आपको 14 चाहिए, तो 14 जहाँ आता है हमारा यहाँ, आप 14 नाप लीजिए, हमारा 14 यहाँ है, हमारा 1 इंची का कॉलर रहेगा, तो आप यहाँ से ऐसे निशान लगा के लगा लीजिए 1 इंच, ओके, यहाँ पर हमारा कट हो जाएगा, ये हमारा 1 इंच का निशान लग गया है, ये हमारा कॉलर हो गया, आप इनको काट दीजिए।
तो ये हमारा कॉलर हो गया, ये हमारा कॉलर बैक में खुल जाएगा। और ये कॉलर जो है ये हमारा सेंटर हो गया, और इस सेंटर के बीच में हमारा वो दोनों पोर्शन जॉइंट होगा यहाँ, यहाँ पे वो दोनों हमारा कॉलर जॉइंट हो जाएगा। ये हमारा शोल्डर रहेगा, ये हमारा नेक, ये हमारा पलंग, ये हमारा बेड। आप देख सकते हैं ये ऐसे जॉइंट हो जाएगा यहाँ, और ये कॉलर, ये जो पोर्शन रहेगा साइड का, ये यहाँ से ऐसे आके यहाँ ख़त्म हो जाएगा, और ये सामना बीच का बीच में रहेगा। और ये और आने वाली वीडियो में हम आपको इनका सिलाई भी दिखाएंगे, इनको सिल के भी बताएंगे, स्टिचिंग करके भी बताएंगे, और भी तरह का ब्लाउज अगर आपको नहीं आता है कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस तरह का वीडियो बना के दिखाऊंगा। और आने वाली बहुत सारी वीडियो में आपको हम और तरह का ब्लाउज बताएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, ताकि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।